हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के तमाम अपडेट आप सभी लोगों ने यूट्यूब पर तमाम चैनल पर देख लिया होगा। बट दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जो वास्तव में जो अपडेट है, जो ऑफिशियल अपडेट है टर्म वन के रिजल्ट को लेकर, या आप कहें दोस्तों सीबीएसई टर्म टू जो एग्जाम होने वाला है उसकी डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, क्या वास्तव में ऐसी कोई अपडेट है या अपडेट नहीं है। जिस तरह से दोस्तों हम दिन भर लगातार यूट्यूब पर देखते रहते हैं, तमाम चैनल जो अपडेट पर अपडेट देते रहते हैं, बट ऐसा कोई अपडेट होता नहीं है। तो इसी दोस्तों इसी चीज को हम आपके सामने लेकर आते हैं जो वास्तव में अपडेट होती है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आज की जो सबसे बड़ी अपडेट की, वास्तव में क्या ऐसी कोई अपडेट है। दोस्तों मैं दिन भर से लगातार यूट्यूब चैनल्स देख रहा हूँ, तमाम वेबसाइट को खंगालने के बाद दोस्तों जो नतीजा निकला है वो हैरान कर देने वाला है। बहुत सारे चैनल्स को देखा दोस्तों मैंने, वहां पर लिखा गया था कि जो टर्म वन का रिजल्ट है वो कल आने वाला है, यानी 30 जनवरी को आने वाला है। बट मैं आप सभी को बताते चलूँ कि सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक जारी नहीं की गई है कि जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 30 जनवरी को आने वाला है। हालांकि यहाँ पर ये जरूर कहा गया है, और इसमें तमाम जो अगर हम बात करें न्यूज पोर्टल है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स देखे बात करें या एनडीटीवी एजुकेशन की बात करें, जीव न्यूज की बात करें, इंडिया टुडे की बात करें, कैरियर 360 की बात करें, तमाम जो वेबसाइट है दोस्तों, इनका मानना है कि जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। बट ये अनुमान ही है, इससे पहले भी ये तमाम जो न्यूज पोर्टल दोस्तों अनुमान ही दिए थे। इन्होंने कहा था कि 5 जनवरी को रिजल्ट आएगा, फिर कहा गया कि 14 जनवरी को आएगा, फिर 20 को कहा गया, फिर 25 को कहा गया, फिर 27 को कहा गया। तो ये बस अनुमान ही है दोस्तों, वास्तव में कोई सीबीएसई ने कोई अपडेट नहीं दी है कि वास्तव में जो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। यहां पर मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने 2 या 3 स्कूल के बड़े बड़े टीचर से बात करी, उनका कहना है कि जो आप सभी का रिजल्ट है फर्स्ट टर्म का, वो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों एक साथ जारी किए जा सकते हैं। ये भी एक संभावना है कि अभी आपका टर्म वन का जो रिजल्ट ना आए और आपका टर्म टू का रिजल्ट के साथ ही आप टर्म वन टर्म टू का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाए फाइनल रिजल्ट के तौर पर। और एक चीज ये भी उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है वो एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर आपको स्कूल की तरफ से ही प्रदान किया जाएगा। ये भी 90% संभावना है कि जो स्कूल के लेवल पर ही आपको रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर दी जाए और जल्द ही प्रदान की जाएगी दोस्तों। सो फर्स्ट टर्म को लेकर जितने भी तमाम अपडेट आप सभी ने सुबह से लेकर अभी तक देखी है दोस्तों, उसमें कोई अपडेट नहीं है, बस अपडेट बनाकर अपडेट प्रस्तुत की गई है। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट जो है वो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन को लेकर। तो दोस्तों सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक दोस्तों कह सकते हैं कि ब्लॉग है, इनमें इन्होंने कहा है कि भाई जो सेकेंड टर्म का एग्जाम है और उसकी डेट शीट जो है वो भी 10 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन की डेट शीट है वो 10 फरवरी तक जारी कर जाएगी। और इसी के साथ हो सकता है कि 10 फरवरी तक आप सभी के जो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाए, टाइम टेबल सब कुछ एक साथ जारी करने की संभावना यहाँ पर लगातार दोस्तों बन रही है। सो यहाँ पर मैंने इसीलिए दोस्तों हर एक अपडेट चेक की है, जितने भी न्यूज पोर्टल है, चाहे वो एनडीटीवी एजुकेशन की बात करें या इंडिया टीवी की बात करें। एनडीटीवी एजुकेशन में आपको दिखा देता हूं दोस्तों, एनडीटीवी एजुकेशन, तो यहां पर दोस्तों सीबीएसई की अगर हम बात करें तो सीबीएसई की कोई अपडेट वास्तव में यहां पर नहीं दिखाई दे रही है जो लगातार। देखो यहाँ पर दोस्तों लाइव ही करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है सीबीएसई रिजल्ट लाइव क्लास 10 क्लास 12 टर्म 1 मार्कशीट डिटेल्स स्टेप टू डाउनलोड, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सभी चीज यहाँ पर, बस ये अपडेट दिया गया कि कमिंग सून जो रिजल्ट बता रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी लेके चलता हूँ। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पहले, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों, ठीक है, ये देखते हैं सीबीएसई, ठीक है। तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दोस्तों ओपन हो रही है, और ये यहाँ पर, ठीक, अब ये देखो ओपन हो चुकी है, ये सीबीएसई दोस्तों वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ जो आपका परिणाम का जो रिजल्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो मंच आयोजित, यहाँ पर ये दो एक क्लिप आई दोस्तों, वो ये परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो कि जल्द ही फरवरी में इस चर्चा का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें
आप भी पार्टिसिपेट ले सकते थे जो 27 जनवरी लास्ट डेट से समाप्त हो चुकी है। इसको प्रमुखता से दिखाया गया है, बट यहाँ पर अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम का जो दोस्तों वो चीजें है यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों खाली दे रखा है, यानी अभी तक कोई भी यहाँ पर देख सकते, ये देखिए ये सभी अनाउंसमेंट जो है दोस्तों पूरी तरह से खाली है। सो ऐसे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है मेरे दोस्तों। सो मैं आपको इसलिए दोस्तों लाइव सारी चीजें दिखाता हूँ बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम है कि आप सभी तक जो सही चीजें वो पहुंचाई जाए, ना कि अपडेट को अपडेट विदाउट अपडेट को अपडेट बनाकर आप सभी के सामने प्रस्तुत की जाए। और साथ ही साथ दोस्तों सेकेंड टर्म का जो एग्जाम आ रहा है वो दोस्तों अपने तय समय सीमा के भीतर लिया जाएगा, इसकी कंफर्मेशन जो है आ चुकी है दोस्तों। तमाम स्कूल दोस्तों अब दिल्ली में खुलने वाले हैं, हर स्टेट में स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे दोस्तों शांत हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं दिल्ली में दोस्तों, हो सकता है फरवरी के फर्स्ट सप्ताह से जो है स्कूल खोल लिया जाए। डीडीएमए की बैठक हुई थी, अभी स्कूल को जो है खोलने का जो जजमेंट वो पेंडिंग में है, जल्दी इस पर दोस्तों फैसला ले लिया जाएगा। और आपका जो रिजल्ट है वो तय समय भीतर भी, जो सेकंड टर्म की अगर हम बात करें वो तय समय के भीतर एग्जाम आपका लिया जाएगा, और उसका रिजल्ट भी तय समय के भीतर ही आएगा मेरे दोस्तों। सैंपल पेपर आपके सामने आ चुका है, सीबीएसई ने जारी कर दिया है, और साथ ही साथ सिलेबस आपके पास मौजूद है। सो प्लीज अच्छे से तैयारी की तैयारी कीजिए, जो भी आपकी कमी है जिस भी सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर अभी हम यही कहें कि भाई एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं जो तमाम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल थे लगातार एग्जाम कैंसिल करने की बात कर रहे थे कि भाई एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि एग्जाम कैंसिल करना दोस्तों अभी पॉसिबल नहीं है और एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में यही चीज है कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है और कहीं देर ना हो जाए, इससे अच्छा कि दोस्तों अभी हमें तैयारी करनी है और एग्जाम में अपना 100% देना है। सो इसी बात के साथ दोस्तों अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप बस पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, और जो भी अपडेट दोस्तों आप सभी के लिए होगी द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और ये लाइक शेयर और सपोर्ट ही आपका है दोस्तों जो हमें यहाँ तक लेकर आए, और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह तत्परता से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।